कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये कथा है देवदत्त की कथा। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो लोगों को उपदेश दिए, उन उपदेशों में ये कथाएं भी एक अपना अलग महत्व रखती हैं। तो आज जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये कथा शुरू होती है देवदत्त के साथ। देवदत्त, जिनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि देवदत्त ये राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि तथागत बुद्ध, जो बुद्धत्व प्राप्ति से पहले राजा शुद्धोदन और महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ, इनके वो ममेरे भाई। बचपन से ही दोनों के स्वभाव में कोई खास मेल नहीं था, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से टकराता था। लेकिन समय बीतता गया और जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त किए, तो इसके बाद की स्थिति ये बनी कि देवदत्त भी तथागत के उस भिक्षु संघ में शामिल हो गया, जो भिक्षु संघ एक आदर्श कहलाता था, जनता के लिए मार्गदर्शक होता था, प्रेरणा स्रोत होता था। लेकिन देवदत्त का जो मूल स्वभाव था वो यही था कि कोई ना कोई द्वंद्व, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करे। अब ऐसे में देवदत्त ने अपने स्वभाव के अनुरूप काम किया और क्या हुआ कि देवदत्त ने सोचा कि क्या तथागत ही अपना संघ बना सकते हैं, क्या मैं नहीं बना सकता। और वो वहां से निकले और वहां से निकलकर उन्होंने नए 500 भिक्खुओं को इकट्ठा किया, नए लोगों को भिक्खु बनाया और उनके साथ उन्होंने नए संघ की शुरुआत की। अब 500 भिक्खुओं को वो सिखाने समझाने लगे और इसके लिए वो गया शीर्ष पर्वत जो है, वहाँ पर उन्होंने अपना ये डेरा जमाया। देवदत्त के इस कृत्य की बात तथागत को भंते सारिपुत्र और भंते मोगलायन जी ने बताई। अब देवदत्त तो अपने शिष्यों को सिखाते समझाते रहे, लेकिन एक दिन की बात है कि हुआ ये कि भंते सारिपुत्र और भंते मोगलायन, ये दोनों गयाशीष पर्वत की ओर निकले। अब उनको लगा कि चलो भाई चला जाए कि देवदत्त क्या कर रहे हैं, जरा देखा जाए, और ये दोनों उस तरफ जाने को निकले। उस वक्त गयाशीष पर्वत पर अपने शिष्यों को इकट्ठा कर देवदत्त उनको कुछ मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दूर से ही आते हुए देखा कि सारिपुत्र और मोगलायन दोनों गयाशीर्ष पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो देवदत्त बड़े खुश हुए, उनको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने अपने शिष्यों को ये बताना शुरू किया कि देखो हमारा मार्ग कितना बेहतर है, हमारा मार्ग कितना अच्छा है। देखो तथागत के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, जो उनके पास बड़े विशिष्ट महत्व रखते हैं, वे सारिपुत्र और मोगलायन, ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं। तो शिष्यों को लगा कि ये तो अच्छी बात है कि भाई तथागत के शिष्य यदि हमारी इस मंडली में आते हैं तो अच्छी बात है, हमारे साथ रहेंगे। अब ये बड़े खुश थे। अब देवदत्त और मोगलायन पर्वत पर पहुंचे, इन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया उनका, और आदर सत्कार करके वे उनको बिठाए वहां। अब देवदत्त अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते 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 वे थक गए। अब थक गए तो उनको नींद भी आने लगी। तो देवदत्त ने कहा सारिपुत्र से कि आप जरा शिष्यों को कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अब सारिपुत्र के लिए ये बड़ा अवसर था,
सारिपुत्त ने अपना प्रवचन शुरू किया, अपनी देशना शुरू की, और वो जो सामने बैठे हुए जो शिष्य थे, वो शिष्य इतने उत्साहित हुए, इतने प्रेरित हुए, इतने खुश हुए, और उन्हें लगा कि ये जो बता रहे हैं ये वास्तव में मार्ग है, ये जो बता रहे हैं इससे जीवन सुखकर हो सकता है, इससे जीवन में दुख मुक्ति आ सकती है। और वे सब अब तक जब तक कि सारिपुत्र ये बात शिष्यों को समझा रहे थे, उनको प्रवचन दे रहे थे, तब तक तो देवदत्त सो भी गए। सारिपुत्र उठे और वापस जाने लगे, मुगलायन भी चले, तो वहां के सारे जो शिष्य थे देवदत्त के, वो भी उनके पीछे पीछे हो लिए। उनको लगा कि भाई देवदत्त की इस शिक्षा में कोई खास मतलब नहीं है, और वे सारिपुत्र और मुगलायन के पीछे पीछे चल दिए। अब ये कोकालित देवदत्त का बड़ा खास था और चहेता था। अब कोकालित देवदत्त को उठाने लगा, कहने लगा कि भाई उठिए, आप कितना सोओगे, अब सारे शिष्य जो है, पूरी मंडली जो है, पूरा संघ जो है, वो तो सारिपुत्र और मुगलायन के पीछे पीछे चल दिया है। अब देवदत्त हड़बड़ाकर उठे और देखा कि पूरा पर्वत खाली पड़ा है, कोई नहीं कोकालित के सिवाय। बहुत दुखी हुए, एक तो बूढ़े भी हो चले थे, दुखी हो गए, और इस पीड़ा में ये जो दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ कि भाई उनकी पूरी मंडली की मंडली ही ये तथागत के पीछे चली गई, मतलब सारिपुत्र के साथ चली गई, और तथागत का अनुगामित्व उन्होंने स्वीकार लिया। अब देवदत्त इस कारण बीमार भी हो गए, और इतने बीमार हो गए कि वो उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद अब बचना मुश्किल है। अब देवदत्त के लिए ये बड़ी दुख की घड़ी थी, और इस दुख की घड़ी में उनके जो मित्र हैं अजातशत्रु, वो भी उनको कोई मदद नहीं कर पाए, और देवदत्त बिल्कुल अलग थलग अकेले पड़ गए। तो देवदत्त का मन उन्हें कसौटने लगा, उनको लगा कि नहीं, अगर संसार में कोई शरण है तो बस एकमात्र शरण है, और वो शरण है तथागत बुद्ध। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इस संघ में फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा तथागत का विरोध करना चाहा, उनका तिरस्कार करना चाहा, उनके प्रति उनके मन में अच्छा भाव नहीं रहा। ये बात देवदत्त को बड़ी कसौटने लगी। तो देवदत्त ने सोचा कि चलो चला जाए और तथागत से माफी मांग ली जाए। अब तथागत उस समय श्रावस्ती में थे। अब श्रावस्ती जाने के लिए गया शीर्ष पर्वत से, बीच में पुष्करणी नदी थी। देवदत्त बूढ़े, उस पर भी बीमार, और वो चले जा रहे हैं। जाते जाते पुष्करणी नदी के तट पर आ गए। उनको लगा कि भाई बहुत चल लिए, थक गए हैं, थोड़ा नदी में नहा लिया जाए, और फिर नहा धोकर फिर तथागत के दर्शन किए जाए। देवदत्त ने नहाने की तैयारी की, और जैसे ही नदी के पात्र में पांव डाला, उनके प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब देवदत्त तो पश्चाताप तो कर रहे थे, लेकिन तथागत से माफी भी नहीं मांग सके। ये बात भिक्षुओं ने तथागत से कही, तो तथागत ने कहा कि देखो भिक्षु, देवदत्त ने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, और इसलिए वो जीवन भर दुखी रहा, और उसका अंत भी दुख में ही हुआ, क्योंकि मन में ये बात तो रही कि भाई तथागत के सिवाय कोई शरण नहीं है, लेकिन तथागत के समक्ष खड़े होकर वो तथागत से माफी नहीं मांग सका, ये बात छूट ही गई उनसे। और तब तथागत ने
एक बड़ी अच्छी गाथा कही। वो गाथा धम्मपदों में मिलती है, आपको सुनाते हैं। इध तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति, पापकारी उभयत्थ तपति। पापम मे कतंति तपति भियो तपति दुग्गतिं गतो। जो पाप कर्म करता है वो अपने इस जीवन में तो दुखी होता ही होता है, उसका अंत भी दुख में ही होता है। और फिर मैंने पाप किया है ये सोचकर वो इस जीवन में भी दुखी होता है, संतप्त होता है, और जब दुर्गति को प्राप्त करता है तब भी बहुत ज्यादा अधिक संतप्त होता है। तो इस कहानी का ये जो सार है कि अपने जीवन में जो भी कोई हो, अगर दुखों से, यातनाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति चाहता है तो उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन के कुछ खास आदर्श बनाने चाहिए और बुराइयों से, पाप कर्मों से निश्चित रूप से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी दुख है, यातना है। इनसे अगर बचना है तो अपने आप को बेहतर जीवन की ओर मोड़ लें। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन अगली कहानी में हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक नई बात के साथ और एक नए आदर्श के साथ। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।